हेलो स्टूडेंट्स, ये एक इजी क्वेश्चन है आपका 2023 का, क्वेश्चन नंबर 12। ऑर्डर में चल रहे हैं हम, जो भी स्टैट्स के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, सारे सॉल्यूशंस आएंगे उसके, सब डिस्कस किए जाएंगे। नॉर्मली ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लास में कराते ही हैं और हमारे स्टडी मटेरियल में होते ही हैं, अल्फा प्लस के स्टडी मटेरियल सभी स्टूडेंट्स के पास होती हैं चीज़ें, पर फिर भी बच्चों को लगता है कुछ नया है। तो देखो इस चीज़ को देखिए, आप ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ईजी सा और आप आसानी से कर पाएंगे इसको। कहता है एक्स एंड वाई भी रैंडम वेरिएबल, एक्स फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है भाई, करता है नॉर्मल को, मीन वन है, वेरिएंस टू है, ठीक है, वी कैन राइट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज वन एंड वेरिएंस इज टू। और कहता है वाई, एक्स तो पीडीएफ है ही, वाई को अगर आप ये लिखेंगे तो वो भी पीडीएफ है क्योंकि उसकी भी टोटेबिलिटी वन आ रही है। तो हाँ, वाई को अगर एक्स बाय टू प्लस वन रखेंगे तो भी वो पीडीएफ है। थैंक यू वेरी मच, ओके रिपोर्ट है। अल्फा किसके बराबर है, एक्स कॉमा एक्स बाय टू प्लस वन, तो वन बाय टू वेरियंस ऑफ एक्स, बिकॉज को वेरियंस ऑफ एक्स इज वेरियंस ऑफ एक्स एंड दिस इज जीरो, एंड वेरियंस ऑफ एक्स इज टू विच इज वन, अल्फा इज वन, देन वी हैव बीटा इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज एक्स बाय टू प्लस वन विच इज वन बाय टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज वन विच इज थ्री बाय टू इज द आंसर, सो बीटा इज थ्री बाय टू, देन वी हैव गामा इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ वाई। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे, वन बाय फोर वेरियंस ऑफ एक्स, एंड वट इज वेरियंस ऑफ एक्स एक्चुअली इज टू विच इज वन बाय टू, सो वी हैव अल्फा बीटा गामा, नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 2 beta plus 4 gamma. So what is alpha is equal to 1 plus 2 times beta 2 into 3 by 2 plus gamma which is half. So we can get 4 plus 1 by 2 which is 9 by 2 is the answer. Kuch gadbad hai kya bachcho, dekho jara, kuch gadbad to nahi kar raha main. Some calculation mistake is done by me. अल्फा 1 हो गया, 2 बीटा 2 3 बाय 2, 4 गामा, एंड गामा इज व्हाट 1 बाय 2, तो 2 आया ना वहां पर, गलती कर दी मैंने, 2, तो विच इज 6 इज द आंसर, आंसर आपका 6 हो गया बच्चों, वो गलती हो गई थी वहां पर। खैर आप समझ गए होंगे इस बात को, दैट इज जस्ट अ क्लरिकल मिस्टेक, ठीक है।